और वो अभी तक हमने टिकट इजी में भी शेयर नहीं करी है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अंजना ठाकुर व्लॉग। आई होप आप सब लोग बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए। तो नानी, गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा फिर आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही मजेदार, बहुत प्यार, बहुत अच्छा। कल नानी को हमने अपनी शादी की सीढ़ी दिखाई थी, कैसी लगी? बढ़िया, बहुत अच्छा। तो नानी को भी हम छोड़ रहे हैं उज्जवल के घर, और हमने जाना है ध्रुव का ट्रीटमेंट करवाना। ध्रुव को एलर्जी हुई है, बहुत ही है थोड़ी, है ना, अच्छी तरह से स्किन एलर्जी भी है, जो कि बहुत सीवियर हो गई है। तो हल्का है ना, बाकी कुछ नहीं है, बाकी ध्यान से अच्छी तरह से इसका है ना दिखाना चाहिए, अच्छी तरह सारा बोलना चाहिए, वैसा है सर। नानी बस अभी हम थोड़ी देर में वापस आए, मैं आपको फोन करूंगी। निकल चुके हैं हम, ध्रुव को आज छुट्टी लेनी पड़ी अपनी मेडिकल लीव, क्योंकि ध्रुव की जो एलर्जी है, स्किन एलर्जी, वो बहुत ज्यादा सीवियर हो गई है। सही बात है गाइस, और ऊपर से ना गर्मी बढ़ी है, गर्मी तो इतनी है ना, गर्मी है ना, कोई इतनी ज्यादा चुभ रही है ना। अभी हम जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर क्या बोलते हैं, क्योंकि बहुत ही बुरा हो गया है, बुरा हाल हो गया, पूरी रात ही सोया नहीं, क्योंकि उसको उसमें ईचिंग हो रही थी। तो अब हम जिस डॉक्टर के पास पहले गए थे, पहले उसी डॉक्टर के पास जाके बोलते कि जिन्होंने दवाइयाँ दी थी उसका तो कुछ हुआ नहीं है। फिर और ऊपर से ना एक बार हम सोचते कि इसके सारे ब्लड टेस्ट, पूरा बॉडी टेस्ट करवा देते हैं, क्या पता कोई दिक्कत हो। और गाइस, अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी हम जाते हैं अंदर, देखते हैं क्या बोलते हैं। इस बार तो आज तुमसे मतलब अच्छे से बात करके आएगी कि पहले जो आपने मेडिसिन दी थी, जो भी लोशन दिए थे, उसका कोई भी असर नहीं हुआ है। एक्चुअली हुआ यूँ कि हम वहाँ गए और वहाँ पे इतना रश था कि मतलब हमारा नंबर अभी टाइम क्या हो रहा है, 12 बजे ना, तो 2-3 बजे का हमारा नंबर आना था, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि तो इससे अच्छा पापा ने हमें एक हॉस्पिटल बोला था, क्योंकि ध्रुव की मम्मा को भी हुई थी एक बार, तो वो बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो वो है पंचकूला में। तो हमने सोचा कि एक बार पंचकूला में उनको दिखा दे, क्योंकि यहाँ पे जो मेडिसिन दी थी उससे तो बिल्कुल भी इसकी बॉडी में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्यों ब्लड सैंपल देखे मतलब ना दर्द नहीं हुआ उनको, बड़े हाँ। 4 बॉटलें निकाले ना, उसके बाद उनको फील हुआ कुछ कम हो रहा है। तो गाइस अभी ना हमने सैंपल्स ले लिए, सैंपल दे दिए थे डॉक्टर, 4 बजे सैंपल डन हो गए। अब आएगी, कल तक आएगी रिपोर्ट, क्योंकि वो ये सार के जो सैंपल थे जरूरी थे तो वो लेने पड़े। बाकी सुबह जो कुछ खाया नहीं, अंजना ने भी नहीं और मैंने भी नहीं, तो पहले कुछ खा लेते हैं और फिर उसके बाद घर चलते, क्योंकि घर में बहुत काम है मेरे को। तो हम सोच रहे कि खाए क्या अब, क्योंकि ना लंच सब कुछ इकट्ठा ही हो रहा है, तो स्पेशल थाली मिले और साथ में नूडल्स। नानी भी वेट कर रहे थे, नानी बोल रहे थे जब वापस आओगे तो कॉल करना मुझे, वॉक पे जाना है नानी ने आज मेरे साथ। आज से डॉक्टर ने ध्रुव को वॉक करने को बोला है, वर्कआउट करने को बोला है। अच्छा, मैं रौनक की स्टोरी शेयर करूँ ना, तो रौनक से मतलब ये है कि बहुत लंबी स्टोरी, लंबी स्टोरी नहीं, एक स्पेशल स्टोरी है। तो हमारा लंच रेडी है। तो गाइस हमारा लंच हो चुका है और जब हम गाड़ी में उसके बाद बैठे हैं ना, सही में गाइस धमाका लगा, लगा है, लगा जैसे पूरी गाड़ी इतनी गर्म है ना, स्टीयरिंग छूते हुए लग रहा है कि करंट जैसा, और ऐसे आईज में से लग रही है ना अभी, वो तुमने शेड्स डाले हुए हैं तो दैट्स व्हाई। और गाइस ना मैं ना अभी अभी बता देती हूँ ध्रुव रौनक की स्टोरी है ये। रौनक में ना जब मैं मतलब ध्रुव के पापा से पहली बार मिली थी, तो हम रौनक पे मिले थे, और हमने शायद उस टाइम फोटो क्लिक किया, हमने उस टाइम पे पापा के साथ फोटो नहीं क्लिक करी, बट सेकंड टाइम जब अंजना की मम्मी और फैमिली मेंबर्स आए थे, जब हम उसके बाद जब हमारी फैमिली और ध्रुव के मासी वगैरह है ना, जब हमारी फैमिली का मीटअप हुआ था फर्स्ट टाइम, और ध्रुव मेरी फैमिली से, मैं ध्रुव की फैमिली से मिली थी, तो वो भी रौनक में हुआ था। तो उसके हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो अभी तक हमने टिकट इजी में भी शेयर नहीं करी है, तो मेरे चैनल में मौका मिल रहा है शेयर करने का। गाइज
अभी ध्रुव के सैंपल्स वगैरह लंच वगैरह हमारा सारा हो गया, 3 बजने को आए हैं। अब हम सुबह के 10 बजे 11 बजे के निकले हुए हैं ना, तो देखो जी दिन तो निकल गया है। अब मुझे घर जाके काम निपटाना है, तब तक ध्रुव मेडिसिन खा के थोड़ा रेस्ट कर लेगी, फिर उसके बाद घर पहुँच के ही मैं अपडेट देते हैं आपको। घर पहुंच के जो सबसे अच्छी चीज है, जो फिर अगेन टिकटी थी मैंने मिली है, वो ऐसे भी लड़का ना कोई भोंकी भोंकी ना बात, वीकनेस हो गई ऐसे भी को। शेबू क्या हुआ बेबू, क्या हुआ, हीरो बन गया ये, हीरो बन गया भाई, हीरो बन गया। पापा ने ना इसकी कटिंग करवा दी और इसको क्या बना दिया है यार। सेवी इधर तो देख, इसके सारे बाल काट दिया तो वैसे लग रहा है, पूंछ में देख कैसे रखा है। ये शेर लोग ऐसे नहीं टाइप की, आए ही इसको टच करने में लग रहा है इसकी हड्डियां हड्डियां पिलो रही। आ मेरी बेटी, क्या हुआ बेबी को, कुछ कुछ कोई बौकी बौकी नहीं, कुछ नहीं, गर्मी लगी होगी शेबी को, गर्मी लगी होगी, क्या हुआ क्या हुआ। गाइस हम पहुंच चुके हैं वापस और बहुत थक गए हैं, सुबह 11 बजे के निकले थे, 3 बज गए हैं। तो अब पहुंच के अभी मुझे ना, मतलब कल हम रात को लेट पहुंचे थे, तो जब पहुंचे फिर खाना बनाया, खाना खाया, उससे सुबह जाना पड़ा, तो मेरे कपड़े धोने को है और घर का बहुत सारा काम है गाइस, सब ऐसे हो रखा है जब से गए थे। तो अब सोच रही हूँ कि व्लॉग ही एंड कर लेती हूँ आज का। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी आपके लिए बहुत जल्द, अब तो मैं बनाती रहूंगी आपके लिए वीडियोस, बट उससे पहले टेक इट इजी, मैं 21 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तो उस दिन होप है हमें कि उस दिन हमने भैया से बात किया कि हमारी वो जो वीडियो है जो हमने शूट करी है वो हमारी आ जाए मेरे बर्थडे के दिन तक, तो आ जाए। और तो बस गाइस क्यों प्यार देते रहे हमें, और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।